जनवरी 2023 में जापान के टोक्यो में रहने वाले लोगों को जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा ऑफर मिलता है कि अगर वे अर्बन एरियाज यानी कि शहरी इलाका छोड़कर बाहर बसना चाहे तो हर फैमिली में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के अकॉर्डिंग सरकार उन्हें 10 लाख येन करीब $7,000 देगी। जैसे मेरे 7 बच्चे हैं तो जापानीज सरकार मुझे 70 लाख येन देगी, इंडियन रुपीज में करीब 40 लाख रुपए। कह रहे यहाँ पे जापानीज सरकार भी बहुत ही सिंपल सा शर्त रख रही है। सबसे पहले आपके फैमिली के किसी भी एक मेंबर के पास जॉब होना चाहिए और फिर वो गांव में कोई एक स्टार्टअप शुरू करने का वादा करे और फिर ले जाओ भाई हमसे पर बच्चे $7,000। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जापानी सरकार को ये सब करना पड़ रहा है? और ये देखिए जापान में 80 लाख घर लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इन 80 लाख घरों में कोई रहता ही नहीं। और ये तो एक्चुअल में जो गवर्नमेंट डेटा शो कर रही है वो बता रहा हूँ। रियलिटी में तो भाई ऑब्वियसली बात है कि ये नंबर्स ज्यादा होंगे। आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या होगा कि जापान में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा मकान खाली पड़े हैं? अगर इतने ही ज्यादा खाली घर पड़े हुए हैं तो इसका मेन रीजन आखिर है क्या और सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए जापानी सरकार कर क्या रही है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे। और अगेन ऐसी वीडियो पूरी YouTube इंडिया में अभी तक नहीं बनी है तो भाई इस चैनल पे तो ऐसे ही कंटेंट आएगा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। चैप्टर 1, जापान में इतने घर खाली क्यों हैं? देखो जापान में इतने घर खाली क्यों हैं? इस चीज को समझने से पहले आपको अक्किया वर्ड के बारे में समझना पड़ेगा। अक्किया ये वर्ड याद रखना, मैं इसको आगे बहुत बार प्रोनाउंस करूंगा। देखो अक्किया बेसिकली एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है कि खाली घर या अबैंडन्ड हाउस। तो जब भी मैं अक्किया वर्ड बोलूं तो आप समझ जाना कि मैं खाली घर या छोड़ा हुआ घर के बारे में बात कर रहा हूं। सो बेसिकली जापान में इतने घर खाली क्यों हैं, इन चीजों को समझने के लिए आपको इन 4 चीजों को समझना जरूरी है। नंबर 1, पॉपुलेशन चेंज। जापान में जनसंख्या तेजी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है और ये दुनिया की सबसे तेजी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ने वाली पॉपुलेशन में से एक है। जापान में बुढ़ापे की जनसंख्या बढ़ने का एक मुख्य कारण है लेस चिल्ड्रन रेट। जापान का चिल्ड्रन रेट 1970 से लेकर आज तक 2.1 बच्चों पर महिला से कम रहा है। इसका मतलब है कि जापान में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या मरने वाले लोगों की संख्या को पूरा नहीं कर पाती। जहां जापान की टोटल पॉपुलेशन 12.7 करोड़ है पर यही पॉपुलेशन 2065 में सिर्फ 8 करोड़ रह जाएगी। आपने सही सुना, सिर्फ 8 करोड़। आप सोच रहे होंगे कि यार अजय बच्चों के बर्थ रेट, लोगों का बुढ़ापन और पॉपुलेशन से अक्किया का लेना देना क्या है? तो लेना देना है ब्रो। अब देखो जब लोग बच्चे ही पैदा नहीं करेंगे तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी और जब पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो कई सारे घर के वारिश ही नहीं रहेंगे तो एट द एंड वो घर तो खाली रहेगी ना। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे गिरते बर्थ रेट को देखकर जापानी सरकार कुछ कर नहीं रही है। इनफैक्ट बर्थ रेट बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चलाई, जैसे कि इंडिया में हम दो हमारे दो वाली स्कीम चलती है। लेकिन इसके ठीक उल्टा जापानी सरकार उन लोगों के बैंक में 2 लाख रुपए डालती है जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मतलब देख रहे हो ना। नंबर 2, अर्बनाइजेशन। जापान एक उच्च अर्बनाइजेशन देश है जहाँ बहुत से लोग गांव से शहरों में अच्छे जॉब्स और सर्विस की खोज में आते हैं। जैसे जापानी गांव में अगर कोई बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल गांव से घंटों की दूरी पे होता है। गांव में कोई स्टार्टअप या जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, सड़कें कच्ची होती है जिसकी वजह से लोग गांव से शहरों की तरफ मूव कर जाते हैं। और ये भी एक रीजन है जापान में इतने सारे घर खाली पड़े होने का। अब गांव में कुछ होगा ही नहीं तो ऑब्वियसली बात है कि लोग शहर की तरफ मूव करेंगे। इसको आप हमारे इंडिया से भी रिलेट कर सकते हो। जैसे यूपी बिहार जैसे स्टेट से लोग पूरे इंडिया में काम की तलाश और अच्छी जॉब्स हायर एजुकेशन के लिए स्टेट से निकलकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहर की ओर जाते हैं। ठीक वैसे ही जापानी लोग भी इन सब चीजों के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे सिटी में जाते हैं और ये सरकार के लिए भी अंदर ही अंदर एक फायदे का सौदा होता है। लेकिन वो कैसे? तो देखो जापान जैसे छोटे देश में जहाँ की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन टोक्यो और ओसाका जैसे शहर में रहती है, अब किसी भी गवर्नमेंट को जीतना है तो इन दो शहरों को जीत लो। उस तरह पूरा जापान जीत गए। जब इन शहरों पे टाइम टाइम पे खूब इन्वेस्ट भी किया जाता है जिससे ये दो शहर आज जापान की इकोनॉमी हब बन गई है। अब इससे जापान के रूरल एरिया में घर खाली भी हो रहे हैं तो सरकार का क्या ही जाता है। फिर भी दुनिया के सामने मगरमच्छ का आंसू बहाना भी तो जरूरी है ना। नंबर 3, इनहेरिटेंस लॉस। जापान में जब कोई मर जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनके हर एक फैमिली मेंबर के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अब मान लो जापान में किसी आदमी के पास एक मकान था, अब उनके 4 बच्चे हैं, अब सबको इक्वली प्रॉपर्टी बांट दी गई है। तो जापान के इनहेरिटेंस लॉ के अकॉर्डिंग संपत्ति को बेचना या दोबारा यूज करने के लिए सभी फैमिली मेंबर की सहमति जरूरी है। अगर किसी भी एक फैमिली मेंबर का फैसला दूसरे फैमिली मेंबर से अलग हुआ तो उस प्रॉपर्टी को बेचना या दोबारा उपयोग करने का फैसला नहीं लिया जा सकता। और ये भी एक रीजन है कि संपत्ति को बेचने या दोबारा उपयोग करने में देरी हो जाती है और खाली घरों की संख्या बढ़ती जाती है। नंबर 4, कल्चरल फैक्टर्स। देखो आज जो जापान में 1 करोड़ से ज्यादा घर खाली पड़े हैं इसका सबसे बड़ा रीजन है कल्चरल फैक्टर्स। लेकिन कैसे? तो देखो जो लोग शहर की तरफ मूव करते हैं वो लोग कभी भी घर को रेंट पे या फिर बेचते नहीं है क्योंकि उनका मानना होता है कि अक्किया में पुरखों की आत्मा रहती है। ये कितना इलॉजिकल सा रीजन लगता है ना कि पुरखों की आत्मा अक्किया में रहती है इसलिए हम घर को ना तो बेचेंगे ना ही रेंट पे लगाएंगे। और तो और पुरानी वस्तुओं को भी बेचने में जापानी लोग हेजिटेट करते हैं और इसलिए वो खाली घर को बेचने के बजाय उसे खाली छोड़ देते हैं और ऐसे ही खाली घरों की संख्या बढ़ती रहती है। चैप्टर 2, पीपल्स प्रॉब्लम। जापान की प्रॉपर्टी प्रॉब्लम का रिलेशन वहाँ की पॉपुलेशन से भी है। आज जापान में हर 100 लोगों में से 27 लोग बुढ़े हैं और ये नंबर 2016 तक हर 100 में से 40 लोग हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जापान का बर्थ रेट बहुत ही कम है और जापान में लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलने से वहाँ के लोग एवरेज 80 साल तक जीते हैं। और इसलिए इसी साल जापान के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में ये अपील की थी कि इस प्रॉब्लम का सलूशन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए नहीं तो जापान के समाज के लिए सीरियस चैलेंज खड़ी हो जाएगी। देखो पहले क्या होता था कि पहले 3 पीढ़ी
भैया ज्वाइंट फैमिली में एक साथ रहते थे, जिससे घर की हेरिटेज आसानी से न्यू जनरेशन को सौंप दी जाती थी और मकान का रख रखाव भी जारी रहता था। बट सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद इकोनॉमिक रिवाइवल के दौर में लोगों ने शहर जाकर बसना शुरू कर दिया और वहीं अपने मकान बनवा लिए, जिससे दोनों ही पीढ़ियां धीरे धीरे अलग रहने लगी। अब जो शहर में लोग रह रहे थे वो धीरे धीरे पुश्तैनी वसीयत को इग्नोर करने लगते हैं। अभी के टाइम में फैमिली बहुत ही छोटी होती है। एग्जाम्पल के लिए 17वीं सेंचुरी में आधे परिवार ऐसे थे जिनके अपने बच्चे थे और 14% ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, जिसमें तीन जनरेशन एक साथ रहती थी। आज पूरे जापान में टोटल 38% लोग ही ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक या दो लोग साथ रहते हैं, और जब इन लोगों का डेथ हो जाता है या फिर मकान छोड़ जाते हैं तो एक और अकिया बन जाता है। चैप्टर 3, डिमांड एंड सप्लाई प्रॉब्लम। जापान में लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आपने न्यू मकान भी खरीदा है तब भी 30 सालों में इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। इसकी एक वजह यह है कि जापान में तूफान और भूकंप जैसे नेचुरल डिजास्टर्स आम बात है और नए मकान को उन्हें ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं ताकि डिजास्टर सिचुएशन में नुकसान को कम किया जा सके। जहां सरकार अर्बन सिटी से दूर गांव में सरकार फ्री में अकिया मकानों के साथ कुछ पैसे भी देती है, लेकिन वही सरकार सिटी एरिया में भी महंगे महंगे मकान बनाने पर जोर देती है ताकि जापान का इकोनॉमी बैलेंस रहे। कंस्ट्रक्शन कंपनी जो लोगों की बदलती जरूरतों के हिसाब से मकान बना रही है और उसकी मार्केटिंग आकर्षक तरीके से करती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अर्बन एरिया में प्रॉपर्टी खरीदे, तो यहाँ पे ऐसे कैसे चलेगा? सरकार को कुछ लिमिटेड टाइम के लिए न्यू प्रॉपर्टीज के कंस्ट्रक्शन को रोक देना चाहिए, वरना ये तो वही बात हो गई कि ग्लास में छेद है और आप उसमें पानी भरने की झूठी कोशिश कर रहे हो। चैप्टर 4, कंक्लूजन। जापान में खाली मकानों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान तो नहीं है, लेकिन कुछ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स रूल्स को बदला जा सकता है। फिलहाल टैक्स सिस्टम में जिन जमीनों पे मकान बने हैं उनके मालिकों को छूट मिलती है, उन पे टैक्स बढ़ाया जाए ताकि लोग वहाँ पे रहे, वरना वो जमीन सरकार की हो जाए और सरकार वहाँ पे टोक्यो और ओसाका जैसे शहर डेवलप करे जिससे देश की इकोनॉमी भी ग्रो हो सके। सेकंड चीज जो है वो ये है कि जापान में लोग गांव में इसलिए रहना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ पे टोक्यो और ओसाका जैसी फैसिलिटीज नहीं मिलती है, तो ऐसे में सरकार को मेन सिटीज के अलावा रूरल एरिया में भी ये सब फैसिलिटीज को धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए। और सरकार यहाँ पे एक और चीज करवा सकती है कि नई नई छोटी कंपनियां खाली पड़े मकानों की मरम्मत करके वहाँ पे अपने ऑफिस खोल ले, इस तरह से वहाँ पे पड़े खाली घर का सही यूज किया जा सकता है। बट खाली घरों के नंबर इतना ज्यादा है कि इन सभी घरों को फिल तो नहीं किया जा सकता, और वैसे भी ये सब किया धराया तो सरकार का ही है ना, लेकिन कैसे? तो देखो, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब सिटी को डेवलप किया जा रहा था तो सरकार ने गांव वाले एरिया को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, तो लोग करे तो करे क्या, उन्हें जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली वो वहाँ मूव हुए। खैर, ये वीडियो कैसे लगी आप कॉमेंट करके बताना, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना भाई।